नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। बहरहाल, किस तरह का रहा बजट और क्या कुछ है खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत करते हुए कहा, जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। आम बजट 2024-25 पर नजर डालें तो इस बार के बजट को बैलेंस्ड बजट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस बार बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास फोकस है। दोनों ही राज्यों को कई सौगातें भी मिली हैं। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करेगी। नेचुरल फार्मिंग पर जोर, 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवाओं के लिए बजट में क्या, टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप। 12 महीने की इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता भी दी जाएगी। नौकरियां, रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू। पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी। उद्योग, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा। 25,000 ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ, कैंसर की 3 और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इनकम टैक्स, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स, 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपए की गई। तो वहीं बजट पेश होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य रोजगार और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़े, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग है। आम बजट 2024-25 का बजट पेश होने के बाद ही सियासी गलियारों से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष बजट को देश के विकास में मील का पत्थर बता रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बजट सिर्फ सरकार को बचाने वाला बजट है।
न्यूज डेस्क जनता टीवी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नौन्मेष की नौ दृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। पहले तो बिहार के लोगों की तरफ से एनडीए सरकार को बहुत बहुत बधाई। जो जनता दल यूनाइटेड के हमारे मुखिया सर्वमान नेता नीतीश जी पिछले कई वर्षों से लगातार स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, विशेष पैकेज दिया है। इसके लिए बिहार के सभी निवासियों की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के बाहर, बिहार से किस मॉडल में झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और एनडीए सरकार के साथ मजबूती से रहते हुए। सरकार आज जो बजट लेकर के आई है वो बजट एक तरीके से देखा जाए तो खाना पूर्ति है और केवल अपनी सरकार चलती रहे उसके लिए दो उसके जो सहयोगी दल हैं, जो बिहार और आंध्र से आते हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया कि सरकार बरकरार रहे, भले जनता चाहे भाड़ में जाए। और रही बात कृषि क्षेत्र की बात करें तो देश के किसानों के साथ पूरी तरीके से इस बजट में छलावा किया गया है, क्योंकि इस बजट में न तो प्रधानमंत्री के उस फॉर्मूले को बताया गया कि कैसे इस देश के किसान की आय दोगुनी होगी, न तो एमएसपी पे सरकार ने कुछ बोला कि किसानों की उपज जो अनाज है उसको खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, न तो इस बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो ऋण लिया गया है किसानों के द्वारा उसकी माफी को लेकर के कुछ बोला है, और न ही जो सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली का वादा सरकार ने किया था उस पर भी इस बजट में कुछ नहीं, पूरी तरीके से शून्य है बजट। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। कानपुर देहात से खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां जानलेवा हमले में मासूम बच्ची की मौत हो गई है। युवक ने अपने ही परिवार पर हमला किया था, पत्नी बच्चों समेत 7 लोगों पर किया जानलेवा हमला। 6 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर हालत में एक शख्स को रेफर किया गया। पुलिस ने फरार हत्या आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेहद ही खौफनाक मंजर कानपुर देहात में आज देखने के लिए मिला, जहां पर परिवार के ही लोगों के ऊपर शख्स ने हमला कर दिया और इस पूरे मामले में एक मासूम बच्ची की मौत हुई।
थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव में एक महिला जो अपनी पहले पति का स्वर्गवास होने के बाद दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी से जो उनके पति थे दीपू नामक व्यक्ति, उन्होंने आज दरादर हथियार से उक्त महिला, उनके दो बच्चे, उनके देवर देवरानी और उनके दो बच्चे के ऊपर दरादर हथियार से वार किया था। उसमें एक 6 साल की बच्ची की मृत्यु हुई है, बाकी अन्य लोग गंभीर रूप से घायल थे। तुरंत उन्हें चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया और उनमें जो उमंग नामक जो बच्चा है जो थोड़ा और क्रिटिकल थे उनको कानपुर हेलेट भिजवाया जा रहा है, बाकी अन्य लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त हैं उनको तुरंत जो बागा हुआ था उनको तुरंत टीम गठित कर हमारे टीम ने उनको हिरासत में ले लिया है। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने ज्वाइंट कमिश्नर शिवहरी मीणा से खास बातचीत की। देखिए, भी शुरू हो गई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है इनकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर शिवहरी मीणा जी मौजूद है। सर, कांवड़ यात्राओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, कांवड़ को लेकर व्यापक तैयारियां गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन ने करी है। इसके तहत हमने कई स्तर की वार्ताएं अपने निकटवर्ती जनपद और स्टेट्स के साथ करी हैं, अपने काउंटर पार्ट जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ करी गई है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर रहे, अच्छी रहे और जो कांवड़ यात्रा है उसको सकुशल रूप से हम सम्पन्न करवा सकें, इसके लिए आज हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ में हैं, हमारी पुलिस की एएस चेक टीम बीडीडीएस टीम हमारे साथ में है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करवाया जा सके। रास्तों को लेकर सर कहां कहां डायवर्जन किए गए हैं और कांवड़ियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है कि वो रुक कर जो है अपना थोड़ा आराम कर सकें? देखिए, जो रूट डाइवर्जन प्लान है वो तैयार है हमारा, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से उनके साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है, जो पीछे रूट डाइवर्जन रहेगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, अपना जो रूट डाइवर्जन है उसको ही फॉलो करेंगे, कंटीजेंसी रूट हम लोगों ने तैयार किए हैं, साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा वाले मार्ग हैं उन पर हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट अच्छा रहे, आम पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो। और सर, ऐसे में अगर कोई सामाजिक तत्व पाया जाता है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था की? जो सामाजिक तत्व के ऊपर नजर रखी जा रही है, विभिन्न माध्यमों से नजर रखी जा रही है, हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई संपन्न कर सके, साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी व्यवधान वो लोग पैदा ना करें। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के ज्वाइंट कमिश्नर शिव जी, जिन्होंने हमें बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर दिन कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो मार्च पास करता है और साथ ही साथ पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है कांवड़ यात्रियों को ना हो, और अगर कोई असामाजिक तत्व ऐसे में पाया जाता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बाकी मैं जोई श्रीवास्तव जनता टीवी से वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। उन्नाव में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर एक बार फिर से उन्नाव पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। आपको बता दें, कैफे संचालक जब अपनी दुकान बंद करके जा रहा था उसी समय लुटेरों ने वारदात की है, जहां पर जो संचालक था कैफे संचालक उसकी सर पर हमला करके करीबन 1.5 लाख रुपए चुरा लिए गए हैं। एसपी ने मौके पर घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल भी की है, साथ ही साथ एसओजी सहित 3 थानों की पुलिस को जो है टीम गठित कर ये जल्द ही खुलासा करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि जो ये पूरी घटना है वो सदर कोतवाली क्षेत्र के बाबा खेड़ा की है। लूट की घटना से क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव।